नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। आज अभी श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला शुरू हुआ है। श्रीलंका ने टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और 4 पर उसके 2 विकेट भी जा चुके हैं। चलिए श्रीलंका और इंग्लैंड की मैच के बाद में बात करेंगे। पिछली समीक्षा में लेकर आया था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला था, उसमें मैंने कहा था कि भारत का पलड़ा 60-40 भारी रहेगा और वही हुआ। भारत ने शानदार तरीके से इस मैच को 89 रन से जीता। हालांकि 2 बार बीच में बारिश आई, टारगेट घटाया, लेकिन जीत भारत के हिस्से में आई। उसके बाद अगर बात करें एशियाई टीमों में, तो बांग्लादेश ने जिस तरीके से वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से पराजित किया, उन्होंने अपनी इस विश्व कप में उपस्थिति को दर्शाया है। एशिया के बाकी जितने भी टीमें हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। भारत के बाद अगर कोई दूसरी टीम है तो वो है बांग्लादेश, जिन्होंने अभी भी अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। उसके बाद अगर बात करें, इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 150 रन से हराया। दोनों टीमों में कोई भी मुकाबला नहीं है और इयान मॉर्गन ने जिस तरीके से 17 छक्के लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, 16 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ा है, क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली, 148 रन बनाए। और उसके बाद जो मुकाबला था, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से हराया। कल के मैच की बात करना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में मुकाबला था और ऑस्ट्रेलिया ने 381 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। लेकिन बांग्लादेश के लड़ाकों की तारीफ करनी पड़ेगी, हारे जरूर वो 48 रन से, लेकिन लड़कर हारे, फाइट किया, 333 रन तक बना डाले। तो मैं बात कर रहा हूं भारत और बांग्लादेश, दो ही ऐसी टीमें एशिया से जो बाकी टीमों के साथ लड़ाई कर रही हैं। अगर पॉइंट टेबल देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया 10 अंकों के साथ पहले नंबर पर, न्यूजीलैंड 9 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, इंग्लैंड 8 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर और भारत 7 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर। और जैसा कि विश्व कप शुरू होने से पहले लग रहा था कि जो अच्छी टीमें हैं वही उभर कर सामने आ रही हैं, छनकर अच्छी टीमें ऊपर जा रही हैं और बाकी टीमें नीचे जा रही हैं। अगर इस विश्व कप की बात की जाए, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के लिए विश्व कप खत्म हो चुका है, उनके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जरूर आपस में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी भारत के पास मौका है, इंग्लैंड के पास मौका है, न्यूजीलैंड के पास मौका है। एक एक दो दो मैच अगर और जीत जाते हैं तो इन टीमों के पकड़ में ये टीमें नहीं आने वाली। ऑस्ट्रेलिया को एक मैच और जीतना है और वो लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बात की जाए आज के मुकाबले की, आज इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में मुकाबला है। टॉस कप्तान ने जीता श्रीलंका के और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्या गेंदबाजी है, क्या शानदार फील्डिंग है इंग्लैंड की। 4 पर 2 विकेट श्रीलंका अपने खो चुका है। श्रीलंका ने सोचा था कि शायद एक लंबा टारगेट देंगे और कुछ संघर्ष कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत बहुत खराब रही। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की इंग्लैंड की बल्लेबाजी है, कोई भी टारगेट श्रीलंका दे, इंग्लैंड आराम से उसको पूरा करेगा। आज का ये मुकाबला 30% श्रीलंका के पक्ष में और 70% या उससे भी ज्यादा मैं मानता हूं यह है इंग्लैंड के पक्ष में। अब आप इंग्लैंड के बल्लेबाजी और श्रीलंका के बल्लेबाजी का फर्क देखिए। इंग्लैंड की तरफ से इस विश्व कप में अभी तक 8 अर्धशतक और 5 शतक लग चुके हैं, जबकि श्रीलंका की टीम में केवल कप्तान करुणारत्ने ने और विकेट कीपर परेरा ने 2-2 अर्धशतक लगाए हैं। तो ये लेवल बताता है कि आज श्रीलंका के विरुद्ध इंग्लैंड का पलड़ा बहुत भारी है और वो जीत कर अपने अंकों को 10 पे करना चाहेगा और हो सकता है पॉइंट टेबल में वो पहले नंबर पर आ जाए। अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए, इंग्लैंड 3rd नंबर पर है और श्रीलंका 4 पॉइंट के साथ 6th नंबर पर है। लेकिन आज उसके बाद श्रीलंका को अभी दक्षिण अफ्रीका से खेलना है, वेस्टइंडीज से खेलना है, आखिरी मुकाबला भारत से खेलना है। तो इस विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचने की राह श्रीलंका के लिए भी बहुत 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 मुश्किल हो जाएगी। अगर कल जो मैच होगा वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में होगा, अगर कल के मैच की हम बात करें, निश्चित तौर पर पलड़ा भारतीय टीम का भारी। हालांकि शिखर धवन पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह ऋषभ पंत आ चुके हैं। थोड़ी सी चोट लगी थी विजय शंकर को, लेकिन ज़्यादा गहरी नहीं है और उम्मीद है कि भुवनेश्वर कुमार भी 2-3 मैच के बाद खेलने के लिए आ जाएंगे। सो कल के अगर मैच की बात करें, क्योंकि अफगानिस्तान अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत सका है, कोई भी उसको अंक नहीं मिला है अंक तालिका में, तो भारत का पलड़ा 20-80 के मुकाबले अफगानिस्तान पर भारी रहेगा। और भारत चाहेगा कि अपनी इस जीत के लय को बरकरार रखे। भारत और न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो अभी तक इस विश्व कप में अपना एक भी मुकाबला नहीं हारी है।
दोनों का एक मुकाबला था आपस में, वो बारिश की वजह से धुल गया। सो आज ये बताते हुए कि श्रीलंका के मुकाबले इंग्लैंड का पलड़ा बहुत भारी है, मैं कुलविंदर सिंह कंग आज आपसे अनुमति चाहता हूँ। कंग दे रंग में आज बस इतना ही, कल भारत के मैच के बाद समीक्षा लेकर मैं एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।